आप चाहती हैं कि सनातन धर्म स्वीकार करें? चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। लेकिन एक दिक्कत हमको आ रही है, जैसे आपका आपके मजहब के लोग पीछे लग जाएंगे, उल्टा सीधा बोलेंगे, तो उसका क्या उपाय है? अगर आप हम टीवी पे ना करके, हमारे बाप माँ को दिक्कत होगा क्योंकि बंगला का लोग बहुत खतरनाक है। ओके, टीवी पे ना करो तो अच्छा होगा, लेकिन हम अपनाना चाहते हैं दिल। ठीक है, हम आपको कथा के बाद बहन मिलते हैं। मंत्री जी आप मिलवाइए बहन को कथा के बाद। न्यूज से प्रार्थना है कि बिलर करके आप न्यूज चलाएंगे। और तो आप कितने दिन से देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पर हमको? माइक आप नजदीक कर सकते हैं। 6-7 महीने से आप यूट्यूब पर देख रहे हैं। तो आपने ऐसा क्या समझा और ऐसा क्या माना कि सनातन धर्म में हमें जाना चाहिए? क्योंकि हम जब आपका देखती थी ना, कर लो भाई, हाँ। आपका वीडियो देखती थी तब हमको लगता था कि अच्छा है, हमको अच्छा लगती थी। तब बाद में हम राम नाम जब से जप करना शुरू किया, मुझे इतना सुकून मिलता था कि मैंने बता नहीं सकता। मैं रोज राम नाम का जप करती हूँ बहुत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा नाम रविशंकर राम है, मैं कलकत्ता से आया हूँ। और सबसे पहले आपको शुक्रिया देना चाहता हूँ, आपसे मिलने का तमन्ना बहुत दिनों से थी, क्योंकि मैंने पीस टीवी बहुत लगातार देखता हूँ घर पर। आपका जो सभ्यता, जो शिष्टाचार मैंने जो देखा, मैं अपने आप को रोक नहीं पाया, इसलिए मैं आपसे इम्प्रेस होकर यहाँ पर आया हूँ। और सर मेरा सवाल है कि एक धार्मिक इंसान की पहचान, उसकी लक्षण, हिंदू मत के अनुसार जैसे धर्म के 10 लक्षण होते, 10 धीति, क्षमा, दम, अस्तय, शौच, इंद्रिय निग्रह, बुद्धि, विद्या, सत्य और संतोष, ये धर्म के 10 लक्षण है। अगर कोई भी धार्मिक इंसान में ये लक्षण पाए जाते हैं तो इंसान धार्मिक है। मेरा सवाल है सर कि इस्लाम के अनुसार, इस्लाम धर्म के अनुसार एक धार्मिक इंसान का पहचान क्या है, मैं ये जानना चाहता हूँ। भाई साहब का सवाल है कि इस्लाम के नज़दीक एक धार्मिक इंसान की पहचान क्या है। इस्लाम के नज़दीक जो खुदा, भगवान, ईश्वर, अल्लाह जो फरमाते हैं, जो कहते हैं, उसके ऊपर अमल करेंगे तो धार्मिक है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की बात मानो और अल्लाह के रसूल की बात मानो। तो अगर आप कुरान पे अमल करेंगे और कुरान के सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप धार्मिक हो गए। इसके अंदर कुछ चीज़ आप देखे जाए तो इस्लाम के अंदर 5 हिस्सों में बांटी जा सकती है। एक है फ़र्ज, कंपल्सरी, ये करना ही चाहिए हर मुसलमान को, फ़र्ज आ गया। दूसरे और हराम, जो गलत है, आप करना ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में, ये दोनों अपोजिट है। इसके दरमियान और 3 चीज़ें जो हलाल कैटेगरी में, हराम के अलावा सब चीज़ हलाल हो जाती। हलाल में 4 कैटेगरी के, फ़र्ज जो करना चाहिए कंपलसरी, दूसरा है मुस्तहब या लोग कहते सुनना, यानी करे तो बेहतर है, आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। तीसरा है मुबाह, ऑप्शनल, करे तो भी कोई हर्ज नहीं, करे तो भी हर्ज नहीं। चौथा है मकरूह, यानी नहीं करे तो बेहतर है। और 5वां जैसे मैंने कहा हराम। तो एक धार्मिक इंसान कोशिश करेगा कि 100% 100% कम अज़ कम फ़राइज़ तो करे और हराम ना करे। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि वो 100% जो फ़र्ज है वो करे और जो हराम है वो कुछ भी ना करे। और धार्मिक बनना चाहेंगे तो जो मुस्तहब है, जो एनकरेज है, जो सुन्नत है, उसके ऊपर अमल करे। जितना ज़्यादा अमल करेंगे उतना धार्मिक होगा, और जितने मकरूह है, जो चीज़ अवॉइडेबल है, डिस्करेज है, उससे दूर रहेंगे। इन शॉर्ट, अगर आप कुरान और सही हदीस पे अमल करेंगे तो आप इस्लाम में धार्मिक कहलाएंगे। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। भाई साहब आप पीस टीवी कितने साल से देख रहे हैं? सर पीस टीवी तो पहले देखा था मैंने 6 महीना पहले, इसके बाद में फिर बंद हो गया था। तो इसके बाद मैंने चैलेंज, एक दिन रात को मैं ऑन कर रहा था तो चैनल फिर एक बार पीस टीवी आया था, तो मैंने लगातार पीस टीवी रात 9:45 बजे करीब आपका तकरीर आता था वहाँ पर, तो मैंने देखते थे। इसके बाद में फिर वो बंद, अपने आप बंद हो गया था। भाई साहब आप मानते हैं कि खुदा एक है? जी सर मानते, खुदा एक है जी। आप मानते खुदा का कोई अक्स है? नहीं सर। खुदा का अक्स नहीं, खुदा की कोई मूर्ति है? नहीं सर। आप मानते मूर्ति पूजा गलत है? जी सर। आप मानते बुत परस्ती गलत है? जी सर। आप मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। आप मानते, तो उसका मतलब जो इस्लाम की बेसिक। जी सर, कल हम प्रोग्राम देखे थे जिस तरह कल्कि अवतार के बारे में वर्णन किए थे। जी हाँ। तो हम लोग कल्कि पुराण, ऋग्वेद, कल्कि पुराण में और ऋग्वेद और सब बुक के बारे में आप बता रहे थे कल, तो मैं भी नहीं जानता था इसे बारे में। तो अभी आप मानते हैं? जी सर। खुदा एक है? जी सर। और खुदा के अलावा किसी की बात नहीं करना चाहिए? नहीं करना। और आप मानते हैं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर है? जी सर। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट है इस्लाम धर्म में धार्मिक होने के लिए, मिनिमम। जी सर। तो मिनिमम पासिंग मार्क, पासिंग मार्क ये है, जस्ट पास, बाद में उसके बाद अमल जितना करते रहेंगे तो इंशाल्लाह। तो आप चाहते हैं कि मुस्लिम बने? जी सर। आप चाहते हैं? जी सर। कोई भी आप पे जबरदस्ती कर रहा है? नो सर। बाकी नहीं, जबरदस्ती नहीं कर रहा ना? नहीं सर। आप मेरी मोहब्बत में आ गए, मेरी मोहब्बत ने आपको कलकत्ता से किशनगंज खींच लाया, लेकिन मैं आपको जबरदस्ती नहीं कर रहा हूँ ना? नो सर। आप अपने मन से? जी सर। और आपके दिमाग से होशो आवाज में इस्लाम कबूल करना चाहते? जी सर। तो इंशाल्लाह मैं अरबी में कहूंगा, आप उसे दोहराइए इंशाल्लाह। अशहदु, अशहदु अल्लाह, अल्लाह इलाहा, इलाहा इल्लल्लाह, इल्लल्लाह व अशहदु, व अशहदु अन्ना, अन्ना मुहम्मदन, मुहम्मदन अब्दुहु, अब्दुहु व रसूलुहु, व रसूलुहु।
मैं शहादत देता हूँ, शहादत देता हूँ कि अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, कोई माबूद नहीं, और मोहम्मद, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके पैगंबर और बंदे है, बंदे है। माशाल्लाह, आप मुसलमान हो चुके, और मैं अल्लाह से दुआ करूंगा आपको सबसे बेहतरीन जिंदगी दे इस दुनिया में और आखिरत में भी, और अल्लाह ताला आपको और हिदायत दे ताकि और आप अमल कर सके। और जो आपकी ख्वाहिश है कि आप इस्लाम में और धार्मिक बने, मेरी इल्तिजा आपसे कि आप इंशाल्लाह कुरान मजीद का तर्जुमा पढ़िए, वो जबान में जो जबान पे आपको महारत है, हिंदी में तो हिंदी में पढ़िए, बंगाली में तो बंगाली में पढ़िए, और इंशाल्लाह इसके ऊपर अमल कीजिए। और कोई अगर आपको शक और शुबा है तो इंशाल्लाह आप ईमेल लिख सकते हैं zakir@irf.net में। थैंक यू सर, जज़ाकअल्लाह शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल माइक नंबर 3 से, वहां पर कोई अगर गैर मुस्लिम भाई हैं तो अपना सवाल कर सकते हैं, माइक नंबर 3 से। नमस्कार, मेरा नाम हरिपाद विश्वास, मैं बंगाल मालदा काजोल से आया हूँ। मैं एक रिटायर फौजी हूँ और अभी मैं प्राइमरी टीचर हूँ। हम कहीं भी देखते हैं कोई भी धर्म में बेगुनाहों को कोई कातिल करना, जुल्म करना ये नहीं लिखा, लेकिन हम देखते हैं दुनिया में कहीं भी मुस्लिम हो या हिंदू हो बेगुनाहों के ऊपर जुल्म करते हैं। वो धर्म के प्रचार पर जहाँ पर देखिए मुसलमान ज़्यादा है तो हिंदू के ऊपर, और हिंदू जहाँ ज़्यादा है तो मुसलमान के ऊपर। तो धर्म क्या है, और ईश्वर ने, अल्लाह ने क्यों नहीं एक धर्म किया और एक धर्म का नहीं किया, ये मेरा क्वेश्चन है। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब का सवाल है कि धर्म के नाम पे कत्ल हो रहा है, जब मुसलमान मेजॉरिटी में तो हिंदू कत्ल होता है, जब हिंदू मेजॉरिटी में तो मुसलमान के ऊपर कत्ल होता है, ऐसा क्यों? खुदा ने एक धर्म क्यों नहीं बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। कुरान में लिखा है सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 19 में, इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, अल्लाह सुबहाना व ताला के नज़दीक एक ही दीन सही है, और वो दीन है इस्लाम, अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक। अल्लाह ने, ईश्वर ने, भगवान ने एक ही धर्म भेजा, लेकिन वक्त गुजरते हुए लोग इसमें तब्दीली लाए। इसीलिए कुरान मजीद में लिखा है अल्लाह ने एक ही दीन भेजा, एक ही धर्म भेजा, वो है अमन हासिल करना अल्लाह सुबहाना व ताला के अहकामात के मुताबिक। इसे कहते हैं इस्लाम। आप चाहे अरबी में बोलो चाहे इंग्लिश में बोलो, पीस अक्वायर्ड बाय सबमिटिंग योर विल टू गॉड, दैट इज द ओनली रिलीजन। और अल्लाह सुबहाना व ताला ने हर दौर में पैगंबर भेजे, लेकिन जितने भी पैगंबर आए थे वो सिर्फ अपने वक्त के लिए महदूद थे और अपने लोगों के लिए थे। और जब भी पैगंबर भेजे, जब भी किताब नाजिल हुई, लोगों ने किताब को बदला और उसमें तब्दीली लाए और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया दीन पैदा हो गया। तो अल्लाह ने एक नई किताब भेजी, नया पैगंबर भेजा, लोगों ने उसके ऊपर अमल किया, फिर चंद साल के बाद, 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल के बाद उसमें तब्दीली आए, लोगों ने अपने फायदे के लिए उसे बदला और एक नया मजहब पैदा हो गया, एक नया धर्म पैदा हो गया। इस तरीके से अल्लाह ने कई किताबें नाजिल की, और हमारे रसूल फरमाते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, लेकिन अल्लाह सुबहाना व ताला ने आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरी किताब, आखिरी वही कुरान मजीद 1,400 साल पहले भेजी। और इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, सिर्फ अरबों के लिए नहीं भेजी थी, बल्कि सारी इंसानियत के लिए भेजी थी। और क्योंकि ये आखिरी किताब है, ये महदूद नहीं 10 साल के लिए, 100 साल के लिए, 1,000 साल के लिए, जब तक क़यामत आएंगी उस वक्त तक के ये किताब सही रहेंगी। और क्योंकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी पैगंबर थे, वो सिर्फ मुसलमान या अरबों के लिए नहीं भेजे गए थे, वो सारी दुनिया के लिए भेजे गए थे। तो आज जो भी इंसान है, चाहे वो हिंदुस्तान में है, चाहे पाकिस्तान में, चाहे सऊदी अरेबिया में, चाहे USA में, चाहे इंग्लैंड में, उसे आखिरी पैगाम अल्लाह का, खुदा का, उसके ऊपर अमल करना चाहिए, वो कुरान और आखिरी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अमल करना चाहिए, फिर आपको अमन मिलेंगी और इंशाल्लाह खून खराबा नहीं रहेगा। मैं मानता हूं आपकी बात कि अक्सर आप देखते हैं मेजॉरिटी माइनॉरिटी पे जुल्म करता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं भाई साहब, इस किशनगंज में मेजॉरिटी मुस्लिम की है क्या हिंदू की है? सर मेरे को तो पता नहीं, मैं बंगाल से आया हूं, किशनगंज का बंगाल, किशनगंज का नहीं, लेकिन आज सुबह को जब हमारे हिंदू जितने इदारे के प्रेसिडेंट थे, चेयरमैन थे, वो कह रहे थे कि किशनगंज में 65% मुसलमान है और 35% हिंदू है। उसके बावजूद इस किशनगंज मिसाल है हिंदुस्तान में कि कभी भी हिंदू मुस्लिम का राइट नहीं हुआ। धर्म के नाम पे किसी मुसलमान ने कोई हिंदू को ना कत्ल किया, ना हिंदू ने मुसलमान को कत्ल किया। एक पॉलिटिशियन MLA साहब कह रहे थे खाली वोटिंग के टाइम पे कभी कभी होता है हिंदू मुस्लिम के अंदर किसको वोट देना, उसको छोड़ के कभी भी यहां दंगे फसाद नहीं हुए। तो ये मिसाल है कि मेजॉरिटी में होने के बावजूद आप देखते कितना अमन है, और आप खुश नसीब है कि मीडिया ये अमन को खराब नहीं कर रही। मीडिया को पता चल जाएगा मुसलमान अमन से रह रहे तो आपके अमन और शांति को अशांति में बदल देंगी। सबसे अच्छी मिसाल है कश्मीर, कश्मीर में देखो क्या हो रहा है, मीडिया आप देखेंगे, मीडिया इतना उसके पीछे लग गई कि शांति को अशांति में बदल दी।
तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि किशनगंज का माहौल अमन रहे, आप मीडिया से बचिए, आप सही धर्म का पालन कीजिए, इंशाअल्लाह आपको अमन और शांति मिलेंगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब यह है कि अल्लाह ने, ईश्वर ने, खुदा ने एक ही दिन भेजा है, वो है अमन हासिल करना, ईश्वर भगवान अल्लाह के जो भी अहकाम आते उसको अमन में लाने के बाद। और हर इंसान अगर ये ढूंढे कि सही ईश्वर कौन है और उसका कहना क्या है, तो इंशाअल्लाह दुनिया में अमन रहेगा। लेकिन कई लोग नहीं चाहते कि दुनिया में अमन रहे, इसीलिए वो देखते हैं इस हमारे हिंदुस्तान में, सारी दुनिया में हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा मजहब के नाम पे राइट्स हुए, दंगे फसाद हुए, और इसका मैं ब्लेम डालता हूँ हिंदुस्तानी नागरिक पे, ने हिंदुस्तानी पॉलिटिशियन पे, क्योंकि अंग्रेज ने हमारे देश को बांटा। अंग्रेज आए थे हिंदुस्तान में तिजारत करने के लिए, लेकिन हम पे हुकूमत की, उनकी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, हिंदू मुस्लिम को डिवाइड किया और हम पे राज किया। अंग्रेज तो चले गए, अपनी राजनीति छोड़ गए पीछे। इसीलिए मैंने एक तकरीर किया हूँ इस टेररिज्म मुस्लिम मोनोपोली, और कहा जितने भी आप दंगे फसाद देखेंगे दुनिया में, जितने भी टेररिस्ट एक्ट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, कहीं ना कहीं पॉलिटिशियन का हाथ है। चाहे बाबरी मस्जिद लो, चाहे गुजरात लो, चाहे 9/11 लो, चाहे अफगानिस्तान लो, चाहे इराक लो, चाहे पैलेस्टाइन लो, ये सब में राजनीति का हाथ है। लोग चाहते हैं कि हमारे वोट बैंक में लोग हमें वोट दे, तो सबसे आसान तरीका है कि आपस में लड़ाओ मजहब के नाम पे। नहीं तो आमतौर पे मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी जो नागरिक है, हिंदू और मुस्लिम, माशाल्लाह आपस में अमन चाहते हैं, आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। लेकिन इस शांति, इस अमन को अक्सर कुछ लोग अपने फायदे के लिए इसको तोड़ना चाहते हैं, इसको भ्रष्ट करना चाहते हैं, इसीलिए आप देखते कि ये राइट्स होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह किशनगंज एक मिसाल है, और मैं दरख्वास्त करूंगा किशनगंज के पॉलिटिशियन से कि इस अमन को इंशाल्लाह बरकरार रखे। आप भक्त पे रहो, आपको वोट मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा, ऊपर तो सीट मिलेंगी। मैं हमेशा पॉलिटिशियन से कहता हूँ आप भक्त पे जमे रहो, चाहे आपका नुकसान हो, यहाँ सीट नहीं मिलेंगी, ऊपर तो मिलेंगी, ये सीट तो टेम्परेरी है, ये सीट आपकी दुनिया की टेम्परेरी है। कितने साल जिएंगे आप, 50 साल, 60 साल, 80 साल, कितने साल जिएंगे? ऊपर की तो परमानेंट सीट है ना, ये सीट को छोड़िए, आखिरत की सीट की फिक्र कीजिए। तो इसीलिए जो ईश्वर का पैगाम है, खुदा का पैगाम है, अल्लाह का पैगाम है, हक पे रहिए और हक का साथ दीजिए, चाहे आपको यहाँ सीट मिली क्या नहीं मिली, आखिरत में तो मिलेंगी और वो हमेशा आपके साथ रहेंगी। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन।